कल का प्रातः क्लास ही चल रहा है 25/11/1968 दसवें पेज के मध्य से। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ये तो समझते हो ना कि शिव बाबा ही आकर के पढ़ाते हैं, और कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शिव बाबा ने तो इन्यूमरेबल टाइम्स हमको पढ़ाया है और पढ़ा करके इतना ऊंच पद विश्व की बादशाही प्राप्त कराई है। और फिर देखो अभी रावण के राज्य में ऐसे नीचे गिर गए। तो तुम बच्चों को तो ये पूरा 5000 वर्ष का चक्कर घड़ी घड़ी याद रहना चाहिए। तो साकार निराकार के मेल ने विश्व की बादशाही का वर्षा दिया है। और रावण ने गिराया, बाबा ने वर्षा दिया। अनेक धर्मों के दसी से रावण ने गिराया और वेद के बाप ने वर्षा दिया। रावण ने भी वर्षा दिया कितने वर्ष का? कोई 2500 वर्ष का उस रावण का वर्षा है। और ये भी मनमना भव मध्याजि भव, कितना सहज नारिज है। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो याद करने ही नहीं दे। कोई कुछ भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल ही रिंचक भी नहीं समझते, ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते। ये 5 विकारों की माया में रिद भेद करके। बाकी ये भी तो जरूर है ना बच्चे, देखो कोई भी होगा और दोनों भी हद के बाप भी होंगे तो भी बगीचे का बागवान। अब बागवान को विचार तो चलते हैं ना, इस बाग में कौन से फूल अच्छे लगते हैं। अरे बगीचा तो बगीचा है और है बरोबर, क्योंकि जो जो मालिक बगीचा बनाते हैं वो तो सभी फूल उसमें लगाए देते हैं, क्योंकि सभी फूल लगाने वाला होता ही है। सभी सुगंधित दुर्गंधित सब फूल लगाना ही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गंध वाले फूल कोई पसंद नहीं है, हैं, परंतु फिर भी अटेंशन देंगे बहुत अच्छे अच्छे फूलों को। यहाँ देखो फूलों की एग्जीबिशन होती है ना, कैसे फर्स्ट क्लास प्राइज लेने के लिए कितने ले आते हैं।
कोई अक का फूल ले आते होंगे? रतन ज्योत का ले आते होंगे? हरित ज्योत ले आएंगे? नहीं, फर्स्ट क्लास फूल रूहानी गुलाब ले आते होंगे। और सबको पसंद भी तो फर्स्ट क्लास ही होंगे ना बच्चे? बाकी फूलों को तो देख करके उतना टेंशन नहीं देंगे, और नजर ही जाके पड़ेगी अच्छे अच्छे फूलों के ऊपर। तो ये तो प्रैक्टिकल बात है ना बच्चे। बागवान अपना बाग देख करके खुश होते हैं, बाग को देख करके ही खुश होते हैं। फिर भी तो पूछेंगे कौन से फूल पसंद हैं। तो जब पूछेंगे कौन से फूल पसंद हैं तो क्या कहेंगे आके के? देखो ये बड़ी बात हुई ना, सबसे बड़ी बारात तो गाई जाती है शिव की, क्योंकि वो तो कल्याणकारी शिव बाप है ना, सब आत्माओं का कल्याणकारी है। अच्छी हो बुरी हो, आत्माओं का कल्याणकारी है ना। तो शंकर की बारात नहीं है, उनकी बारात कैसे निकलेगी? वो तो सारी दुनिया का विनाश करा देते। तो शिव की बारात है, और जैसे शिव है निराकारी अशरीरी, तैसे आत्मा भी निराकारी अशरीरी। तो शिव बाबा की बारात भी कैसी होगी? निराकारी ही होगी ना, रूहानी बारात। 25/11/1968 की रात, रात्रि क्लास लिख ली है। हाँ, लिखना भूल गए, रात्रि क्लास चल रहा था 25/11/1968 का। तो शिव की बारात, और जैसे शिव है अशरीरी निराकारी, तैसे आत्मा भी है शरीर। तो शिव बाबा की बारात रूहानी बारात अशरीर, और ये रूहानी बारात एक ही होती है, और ये बारात जो सजनिया हो ना बच्चे, और वो साजन है। तो साजन भी तो हुआ ना, प्रैक्टिकल मुकरर शरीर में प्रवेश करके साजन हुआ, जिसको ब्राइड ग्रूम भी कहा जाता है। और बाकी तो सबको, तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, द्रौपदियां हो, तो सबको ब्राइड्स कहा जाता है। जो सबसे सुख देने वाला है वो तो सभी बारात बारात जो यहाँ की हैं है, वो तो सब बाराती दुख देने वाले इस दुनिया की। फिर भी सतयुग में जो जाने वाली बारातें होती हैं वो तो सुख देने वाली हैं।
और फिर वो भी है साथ में जिनको फिर कहेंगे शांति देने वाला, सब आत्माओं को शांति देते हैं। किसी भी युग में जाने वाली आत्माएं हो, क्योंकि आत्माओं के घर में साथ ले जाते हैं ना। बाकी वो ब्राइडग्रूम वहाँ उस सुख शांति धाम में साथ नहीं जाते हैं, तो यहाँ बरी और मिलता है सुख देने वाला है। जैसे बारात होती है सच्ची सच्ची, किस लिए? सुख देने के लिए। और तुम ही बच्चे जानते हो, बच्चे अभी ब्राइड ग्रूम आया हुआ है, साजन कहो या बाबा कहो, साकार निराकार का मेल बाबा भी कहो, और जो कुछ साई चाहिए सो कहो, जिस संबंध में भी चाहिए। बाकी ये जरूर है कि तुम सब बच्चों को शांति धाम ले जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया शांति धाम की शौकीन है। सब चिल्लाते हैं शांति चाहिए शांति चाहिए, कितने शांति सम्मेलन करते रहते हैं, उनको डस भी ये राय भी ये मत भी शांति धाम के लिए मिलती है। सुखधाम की मत नहीं मिलती है। अरे सुखधाम के लिए राय देने वाला तो कोई है ही नहीं सिवाय बेहद के बाप के। शांति धाम की राय देते हैं, परंतु राय देने वाले भी ले नहीं जा सकते हैं। फिर से भी जब भी कोई आते हैं तो उनको कुछ न कुछ हाथ में जरूर पकड़ाना है, कोई हर्जा नहीं है। वो जो स्वर्गवासी और नरकवासी वाले पर्चे है ना, वो दे दिया तो किसी ने कुछ कहा क्या? तो किसी ने कुछ कहा? दिया कुछ भी नहीं हाथ में। किसी ने कहा भाई को दिया था ये ओपिनियन का किताब, क्या दिया था? ओपिनियन का किताब कौन सा? किसी ने कहा ये बाबा ये ओपिनियन की मैगजीन, ओपिनियन की मैगजीन। किसी ने कहा हाँ जिसमें ओपिनियन भी था ना, कॉपी करके दी। अच्छा वो दी थी उनको, तो किसी ने कहा जी पहले से तुम्हारे से मुलाकात करते हैं ऐसे है ना, तो किसी ने कुछ कहा तो तुम कैसे दी? तो किसी ने कहा ये बाबा के पीछे में आ गए, जब बाबा पीछे में आ गए पहले जब आए थे तो ये अंदर था, तो पहले आनंद किशोर ने अटेंड किया था, वो बाहर खड़ा था, फिर तो वहां अंदर आ करके
अब ये होंगी तो पार्टी अनेक शहरों की, एक एक गांव की तो नहीं होंगी थी ना। वो किसी ने कहा, रहते थे हम सब गुण गांव के, सब गुण गांव के। किसी ने कहा गुण गांव के थे और अलवर के थे, और किसी ने कहा मऊ, जहां वो जा करके। हाँ बच्चे बच्चे हैं, होल वाट ढेर सारे। फिर भी जो आत्माएं हैं, देखो कितनी अनगिनत आत्माएं, और वो आत्माएं कितनी होंगी, बारात में कितने होंगे। किसी ने कहा 500 करोड़, 500 करोड़। इतनी बड़ी बात, बारात तो किसी की होगी नहीं, या बारात कहें या फॉलोअर्स कहें, क्योंकि बारात तो पीछे पीछे फॉलो करती है ना, समझा था। तो बारात को भी जो घोट घोड़ा के पीछे जाते हैं उसको बारात कहते हैं। तो तुम भी शिव के पीछे जाएंगे ना साथ में, है? तो शिव कौन से घोड़े पे सवार होते हैं, है? कौन सा घोड़ा? मन रूपी घोड़ा, दाढ़ी घोड़ा। हाँ, अरे वो प्रजापिता वाली आत्मा वो घोड़ा नहीं है, उसको मन नहीं होता है। मन रूपी घोड़ा होता है कि नहीं, उसको भी होता है। तो तुम भी है, तुम बच्चे भी शिव के पीछे पीछे जाएंगे ना साथ में, और जो साजन होते हैं वो साकार में भी तो जाते हैं ना, शांति और सुखधाम में। ये भी अगर सारे दिन में 1-2 घंटा, आधे घंटा भी याद रहे तो भी बहुत कमाई। कि भाई ये सब बाबा के साथ, तो जब बाबा कहा जाता है, साकार निराकार का मेल, और उनके साथ में जाएंगे, तो ये तो जरूर है कि बच्चे जानते हैं कि याद की यात्रा से ही जाना है। याद भी करना है तब ऊंच पद मिलेगा, और नजदीक में होंगे ऊंच पद वाले, और उसी समय में सारा झाड़ का भी तो राज बुद्धि में आएगा ना बच्चों के। तो गोया बाप को याद करने से ही तुम सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को याद करते हो, क्योंकि बाप भी है साकार मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप। बी क्यों लगाई दिया है? इसलिए लगाई दिया कि दो बाप है ना, एक साकार बाप साकार शरीरधारी आत्मा, और दूसरी उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा, वो भी तो साथ ही है ना। तो वो आत्माओं का बीज है और वो शरीरों का बीज, तो वो सारा ही नॉलेज ही तुमको देते हैं, आत्माओं के बाप की भी और शरीरधारियों के बाप की भी, क्योंकि शरीरधारी तो साकार है और इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी साकार है। तो
तो झाड़ के आदि मध्यंत की नालिश देते, तो नालिश लेकर के तुम बच्चे भी तो नंबरवार जैसे बीज रूप मास्टर बीज रूप ठहरे, बच्चे भी हो जानते हो बाबा सारे वृक्ष के आदि मध्यंत को जानते, तो तुम बच्चे भी हो बीज रूप, तो तुमको भी ये बुद्धि में आना चाहिए कि नित्य याद है और भाइयों को नित्य याद नहीं रहता है, और है बिल्कुल सहज बात कि हम कहते हैं कि बाबा बीज रूप है और हम सबको झाड़ के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, हमको समझाते हैं गोया हम समझ जाते हैं, फिर भी याद नहीं पड़ते हैं भूल जाते हैं। अगर ये भी याद रहे तो ये भी याद की यात्रा भी है, और उस बारात में खुशी भी है, तो कोई न कोई फुरनों में हंगामों में कचर पट्टी में ले जाती है। पूछो शिव बाबा याद है, भगवान याद है, क्योंकि भगवान का डिफिनेशन तो तुम बच्चों को बता दिया, डिफिनेशन तुम बच्चों को मिला हुआ है ना, है 25/11/1900 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जो भगवान का डिफिनेशन बतावे, अर्थ सहित, शब्दों का अर्थ होता है ना, भग और वान, वान माने वाला, भग वाला, और जिसके पास ढेर सारी भगें इकट्ठी हो जाए वो भगवान। तो एक भी मनुष्य नहीं है जो ये डिफिनेशन बता दे, जो भगवान का डिफिनेशन जानते हो, और तुमको तो डिफिनेशन मिलता है, मिलता है, परंतु तुम याद नहीं कर सकते हो। क्यों है? क्योंकि जितनी भवों का साथ रहने का डिफिनीशन बताते हो ब्राइड ग्रूम का, वो 63 जन्मों में से तुम्हारे साथ भी रही है, नहीं रही, रहेगी नहीं, साथ रही, तो उनमें बुद्धि खिंच जाती है, हा? और वो है सब क्या माया के रूप है या भगवान के रूप? भगवान दो मेल में आता है कि फीमेल में आता है? नहीं, तो तुम याद ही नहीं कर सकते हो भगवान को। हाँ, वृद्धि को पाती है तो बच्चों में हौसला भी बढ़ता है, अभी ठंडी चलती है पुरुषार्थ की, तो हौसला भी ठंडा रहता है बच्चों का, तो ये भी ला है ना बच्चे, जो भी बहुत 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 होगा तो बच्चों का भी हौसला बढ़ जाएगा। है? क्या बहुत होगा? दिमाग बहुत होगा? अरे ब्राह्मणों का जनरेशन बहुत बढ़ जाएगा ना, तो विनाश नजदीक होगा, तो जब विनाश नजदीक होगा तो और भी हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर तो सारी दुनिया इस सृष्टि पर, सारी आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती हैं मनुष्यों की, है, और सब
ब्रह्मा द्वारा बाप को पहचानते हैं कि नहीं? चतुर्मुखी ब्रह्मा के बच्चे साहब 500-700 करोड़ बनते हैं ना, तो सतो प्रधान दुनिया के नजदीक आते रहते, क्योंकि सब आत्माओं को सत्व प्रधान तो अपने टाइम पर बनना है ना। सतयुग भी सतो प्रधान और कलयुग भी सतो प्रधान होता है कि नहीं? कलयुग में भी जो उतरेंगे वो भी सतो प्रधान, क्योंकि बच्चों को ये तो निश्चय हो गया है कि हम वहां से शांति धाम से या कहो सतयुग से चलते 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 आकर के यहां नीचे गिरे। कहां? पाताल लोक में, राक्षसों की दुनिया में। अभी फिर ऊपर चढ़ते 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 जानते हैं, और तो कोई भी नहीं जानते हैं, इतना सिर्फ सुख है तुम बच्चे अकेले ही देखते हो, जो भारतवासी देवताएं है। और उन विदेशियों की तकदीर में कोई है नहीं, जो विदेश में ही आकर के परमधाम से जन्म लेते हैं, यानी उनका ड्रामा में ही नहीं है। और जब तुम उनको सुनाते होंगे तो वो भी तो वंडर खाते होंगे कि क्या भारत की ही तकदीर है हेवन में, पैराडाइज में, स्वर्ग में जाने की? क्या हम लोग कभी भी नहीं जा सकते हैं? कभी भी एक दफा भी नहीं पैराडाइज में, बेस्ट में या हेवन में जा सकते हैं? तो ये पिछाड़ी में ख्याल आएगा जब तुम्हारे से पूरी बात डिटेल में सुनेंगे, है कि सिर्फ ये देवी देवताएं, ये देवी देवताओं का ही पार्ट है स्वर्ग में जाने का, जिस स्वर्ग को पैराडाइज कहते हैं, बहिष्त कहते हैं, हम लोगों का तो कोई पार्ट नहीं है। तो देखो, तुम जब समझाएंगे तो उनकी आंखें खोलेंगी, उनको ये सारा ज्ञान आएगा और बंदर खाएंगे। कोई तो सुन करके हार्ट फेल भी हो जाएंगे, हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त है, दिल को हार्ट कहा जाता है। हार्ट फेल का ये नहीं कि वो हार्ट फेल होके मर जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएगा कि क्यों हमारा भाग्य में है, हमारा पार्टी ऐसा क्यों हुआ जो हमारा बहिष्त में जाने का पार्टी नहीं है। ऐसा अच्छा से समझ जाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा स्वर्ग में नहीं तो भला शांति धाम में ही सही। ओम शांति।